स्टूडेंट्स, आज हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स। तो हम थोड़ा सा ब्रश अप कर रहे हैं चीजों को। तो स्कूल में आप लोगों ने मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात करी होगी। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में बात करी, ठीक है। तो मेटल या चालक यानी ऐसा धातु जो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, यानी कि अगर मैं बात करूं मेटल मतलब दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोले कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जितने भी धातु हैं या मेटल हैं, ये क्या होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। तो आप थोड़ा सा भी पोटेंशियल अगर लगाते हैं तो दे विल कंडक्ट और उसमें से धारा प्रवाह हो सकती है, ठीक है। अभी हम डिटेल में इसके बाद हम देखेंगे कि मेटल के अंदर अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर अगर हम बात करते हैं, अर्धचालक, अर्धचालक क्या होता है, जो चालक और कुचालक यानी मेटल और इंसुलेटर के बीच में होता है। तो सेमीकंडक्टर अगर हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर मैं बात कर रही हूँ, यानी अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो वो अपने आप में इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये अगर हम देखें तो जैसे मान लो ये आपके पास जर्मेनियम है, ठीक है, तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में किए हैं चार इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दूसरा जर्मेनियम का एटम होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे चार इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिससे ये इसके चार और इसके चार इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग बेसिस पर होते हैं। तो क्या होता है, आपका ऑक्टेट मतलब आठ इलेक्ट्रॉन जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में होने चाहिए वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्योंकि इसमें हमें ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो जब तक इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है, तो सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो जिसे हम इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग के कारण हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होती है, यानी वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं जब तक कि उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज ना करें या हम कोई डोपिंग ना करें। जब हम डोपिंग करते हैं यानी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में, अगर हम पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की, यानी जिसमें पांच इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो या जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो, उनको अगर हम डोप करते हैं तो उस कारण से क्या होता है, ये चीज चेंज हो जाती है। अगर मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी, मतलब ऐसे मटेरियल जिनके आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, उनको अगर मैंने ऐड किया है तो उस कारण से क्या होगा, इसमें क्या है, चार इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और मैं पांच इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ, तो क्या होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यानी वो हमारा बन जाता है कितना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये स्कूल में आपने पढ़ा होगा, ये हम सिर्फ ब्रशअप कर रहे हैं, ठीक है। इनकी डिटेलिंग आप आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें हमने इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया और जिस कारण से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, ठीक है, यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हो गए। अगर आपको याद हो तो होल आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो स्पेस छोड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, होल। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है होल का, ठीक है। अब अगर मैंने इसमें ट्राई इंट्रेंसिक में क्या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली है, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालने के कारण क्या होगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, एक में तीन इलेक्ट्रॉन और इसमें चार, तो इस कारण से एक इलेक्ट्रॉन का लैकुना हो गया, मतलब होल क्रिएट हो गया, तो वो कहलाता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आपके सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इंट्रेंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो होल की संख्या ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। फिर आता है आपका इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी कुचालक, जैसे आपका वुड हो गया, है ना, डायमंड हो गया, जिनमें से धारा प्रवाह नहीं हो सकती, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है, जब तक आप टेम्परेचर नहीं बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तब तक कोई भी कंडक्टिविटी होने के चांसेस नहीं है। तो मेटल में अगर हम बात करें तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे और डोपिंग चेंज करेंगे उस अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। और इंसुलेटर में अगर हम बात करें तो उसमें से धारा प्रवाह ना के बराबर होता है। अगर हम इसी चीज को इनर्जी बैंड गैप के फॉर्म में करें, जो हम आगे थ्योरी में देखेंगे, तो
थोड़ा सा ब्रशअप कर रही हूँ मैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो मैट अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। और अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल के अंदर जो है वो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो जाते हैं, और ये जो बीच की जगह जिसे हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं नॉर्मल में, उसकी वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल में ये ओवरलैप हो जाता है, ठीक है ना, ये ओवरलैप हो जाता है इन मैटर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस। सेमीकंडक्टर में अगर हम बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर में हमारे पास ये कंडक्शन, ये वैलेंस बैंड, और ये बैंड गैप जो होता है ये आपका ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। लगभग अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन की 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। और इंसुलेटर में अगर बात कर रहे हैं हम, ये सेमीकंडक्टर की बात हो गई, और इंसुलेटर में अगर हम बात करेंगे तो यही गैप क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा। तो कंडक्टिविटी कैसे होती है, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो क्या होता है, कंडक्ट करता है मटेरियल। तो अगर हम ये बात करें गैप ज्यादा, जितना ज्यादा गैप होगा उतना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होगी सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। अब हम इनके बारे में जो इनका एनर्जी गैप है, इन सब के बारे में हम, इनर्जी बैंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।